Cheto darpanamarjanam bhavamaha dāvāgni nirvāpanam shreya kairava chandrika vitaranam vidya badhu jivanam. Vardhanam pratipadam purnamrita swadhanam sarvatmasnapanam param vijayate shri krishna sankirtanam kada drakhyami nandasya balakam nipamalakam palakam sarvasattvanam lasat tilak bhalakam. Namah kamalana kamal maline nama kamal padaya namaste kamale kshana yo brahmanam vidhati purvam yo vai vedamshya prahinoti tasmai tagvam ha devamatma buddhi prakasham mumukshur vai saranamaham prapadde. Brindarak Brinda Bandya Ananda Kanda Satchidananda Sri Krishna Chandra Charanar Binda Makaranda Milinda Mahanubhav. Niyamanusar Thodi Der Bhagavan Naam Sankirtan Kar Dijiye Paschat Bhagavat Tattu Par Kuch Prakash Dala Jayega. Bhajogiri Dhar Govind Gopala Govinda Gopala.
Govind Gopala. लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं। मुझे 3 रविवार को बोलना है और 1-1 घंटे बोलना है और बहुत कुछ बोलना है, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक किसी विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकूंगा। संक्षेप में ही प्रत्येक विषय का स्पर्श करता हुआ आपको अंतिम लक्ष्य पर ले जाऊंगा। अतएव आप लोग 1-1 शब्द पर ध्यान देंगे। हम लोगों के समक्ष केवल 1 प्रश्न है कि हम लोग जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा, बस 1 प्रश्न। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अनादिकाल से अब तक अनंत बार मानव देह पाकर भी नहीं हल हो सका। महान आश्चर्य है। कैसे हल होगा? किसी व्यक्ति से पूछकर, वो व्यक्ति भी हमारी ही प्रकार अल्पज्ञ है, उसकी राय से हम कैसे सफल होंगे? किसी ग्रंथ के द्वारा? हां, यही एक उपाय है। ग्रंथ 3 प्रकार के होते हैं, कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ, विनिर्गत ग्रंथ। कृत ग्रंथ माइक अल्पज्ञ मनुष्यों के बनाए हुए होते हैं, अपने आइडिया से वे लोग ग्रंथ लिखते हैं। और स्मृत ग्रंथ सिद्ध महापुरुष लोग अपनी अलौकिक शक्ति से वास्तविक तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं। और
उसमें पुराण है, गीता आदि है, और एक होता है विनिर्गत ग्रंथ, वो है हमारे यहां वेद, केवल एक ग्रंथ। तो कृत ग्रंथ से तो हमारे प्रश्न का समाधान हो नहीं सकता, क्योंकि वे लोग भी हमारे ही भाई बंद हैं, और वो भी अनेक प्रकार के सिद्धांत चल रहे हैं हमारे संसार में। स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ, इन दो ग्रंथों से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इन दो ग्रंथों में हमारे यहां तीन प्रस्थान माने गए हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में तो वेद है, और स्मृति प्रस्थान में महापुरुषों के बनाए हुए ग्रंथ, पुराण, गीता आदि, और न्याय प्रस्थान में है वेदांत, ब्रह्म सूत्र, शारीरिक भाष्य। तो मैं वेदों से और पुराणों से और उपनिषद से और शारीरिक भाष्य वेदांत से लेकर रामायण तक के समस्त ग्रंथों से प्रमाण देते हुए आपके समक्ष भगवत तत्व का प्रकाश करेंगे। तो सबसे पहले वेदों में चलिए। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। वेद अंतिम अथॉरिटी है, और ग्रंथ जितने महापुरुषों के भी हैं, वे अगर वेद सम्मत हैं तो हम उनको मानते हैं, अन्यथा भगवान के ग्रंथ भी बनाए हुए हो तो हम नहीं मान सकते। अगर स्वयं भगवान भी कुछ कहें तो हम तभी मानेंगे जब वो वेद सम्मत हो। हमारे यहां बुद्धावतार हुए हैं भारत में, वो भगवान के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो वेद सम्मत नहीं था। तो हम लोग बुद्ध को नमस्कार करते हैं, उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं। हम गीता को इसलिए नहीं मानते कि श्री कृष्ण के वाक्य हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। उपनिषदों के तत्व को श्री कृष्ण ने बताया है, इसलिए हम मानते हैं। वो हम लोग मनुष्य हैं, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि होती है। हमारे लिए वेद कहते हैं, यह चेदशकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे मनुष्यो, जल्दी से भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो, यदि ये देह छूट गया, छिन गया, तो सर्गेषु करोड़ों कल्प 84 लाख में घूमोगे। ये मानव देह बार बार नहीं मिलता, बड़े पुण्य से मिलता है। स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं इस मानव देह को, इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग नहीं समझते, करोड़ों कल्प, एक कल्प कितना बड़ा होता है। ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का, द्वापर
8,64,000 वर्ष का, त्रेता 12,96,000 वर्ष का, सतयुग 17,28,000 वर्ष का, चारों युग मिलके 43,20,000 वर्ष का, और ये चारों युग 71 बार बीत जाए तो एक मन्वंतर 30,67,20,000 वर्ष का, और 14 मन्वंतर बीत जाए तो एक कल्प, इतना बड़ा होता है कल्प। उस कल्प रूपी ब्रह्मा के एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है, 3,110,40,000,000,000 वर्ष की उम्र होती है। इसलिए वेद कहता है जल्दी करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। चलो फिर चलते हैं वेदों में। एतद् गेयम् नित्यमेव आत्मसंस्थम नातः परम वेदितव्यम् हि किंचित् भोक्ता भोग्यम् प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम् त्रिविधम् ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्चतुरोपनिषद् पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि तीन तत्व होते हैं, उन तीनों को जान लो और कुछ नहीं जानना, बस तीन। हाँ, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया, वो हो मैं और ये है, बस। पहले किसको जानना चाहिए? उसको, ब्रह्म को। चलिए ब्रह्म को जानने की चेष्टा करें। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत बृंगयत इति तत्परम ब्रह्म, अर्थात जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहत्पाद बृंगत बृंगणत्वाच तद ब्रह्मेति, जो बड़ा हो और बड़ा करे उसको ब्रह्म कहते हैं। हाँ, तैत्तरीय उपनिषद में बड़ा सुंदर निरूपण है। भृगु वरुण के लड़के अपने पिता के पास गए, उनके पिता ब्रह्म ज्ञानी थे। वरुणम पितरम उपससार, भृगुरुवै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। पिताजी बताइए ब्रह्म क्या होता है, उसको जानना बहुत आवश्यक है, वेद कह रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा बड़ी सीधी सी बात है, ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक, जिससे संसार के चराचर उत्पन्न हो, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो, जीवित रहे, और जिनमें उनका लय हो जाए, उसका नाम ब्रह्म। बड़ी सीधी सी परिभाषा। और क्या परिभाषा है ब्रह्म की? न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्चतुरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है जिसके बराबर कोई न हो और जिससे बड़ा कोई न हो उसको ब्रह्म कहते हैं। भागवत भी यही कहती है, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशा
उसी भावार्थ से युक्त। मैं एक एक कोटेशन का अर्थ नहीं करूंगा, संक्षेप में समझते चलिए। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। निरस्तसा म्यातिशय न राधसा, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है ये। आप गीता तो पढ़ते ही है, न त्वत्समोस्तव्यधिक कुतोन्य। इन सब प्रमाणों का अर्थ है, न उसके समान कोई है, न उससे बड़ा कोई है। ये गीता का 11वें अध्याय का 33वां श्लोक है। ये ब्रह्म बड़ा का मैंने अर्थ बताया, अब बड़ा करे इसका प्रमाण समझिए। परास्त शक्तिर विविध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसके अनंत शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उसके पास। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दें, असंभव को संभव कर दें। मुंडकोपनिषद में और कहा है कि उस ब्रह्म की एक परिभाषा ये भी है, यस सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, जो सर्वज्ञ हो सर्वविद हो। एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक, ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले, प्रत्येक जीव के, अनंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक संकल्प को नोट रखता है। ऐसा सर्वज्ञ भगवान होता है। और कैसा होता है? वो ऐसा होता है उसको कोई पा नहीं सकता, जान नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। ध्यायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश्य वृणुते ते न लभ्यस्तस्य ईश आत्मा विवृणुते तनु ग्वम स्वाम। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र, वो जिस पर कृपा कर दे वो उसको पा सकता है, जान सकता है। ये बड़ा करे बता रहा हूं मैं। तो जो सबसे बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे अपनी शक्ति दे करके, उसको ब्रह्म कहते हैं। और कैसा होता है ब्रह्म? तो भृगु ने 5 बार प्रश्न किया अपने पिता से। तो पहले तो उन्होंने कहा, जाओ बेटा तपस्या करो, ऐसे नहीं मालूम होता ब्रह्म क्या है, ऐसे मुंह से बता दे तुम समझ जाओ, साधना करो, भक्ति करो। तो लौट के आए बहुत दिन बाद, उन्होंने कहा अन्नम ब्रह्मेत बेजानात अन्ना देव कल विमान भूतानि जायन्ते। तैतरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 2रा अनुभाग। पिताजी ने कहा नहीं अभी नहीं समझे, फिर जाओ। फिर गए, अब प्राणो ब्रह्मेत बिजानात प्राणात देव खल विमान भूतानि जायन्ते। पहले कहा अन्न ही ब्रह्म है, फिर कहा प्राण ही ब्रह्म है, फिर कहा मन ब्रह्म है, फिर कहा विज्ञानम ब्रह्मेत बिजानात विज्ञानात देव। विज्ञान माने जीवात्मा ही ब्रह्म है। फिर जाओ। अंत में जब उन्होंने भक्ति करके ये वाक्य कहा, आनंदो ब्रह्मेत बिजानात आनंदात दिव कल विमान भूतान जायन्ते आनंदेन जातान जीवन्ति आनंदम प्रयन्त अभिसं विशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है। आनंद
ये संसार उसी से पैदा हुआ, आनंद से जीवित है, आनंद में लय होगा। हाँ बेटा आप समझे, तो ब्रह्म क्या वस्तु है? आनंद। ये जो आप लोग सुनते हैं ब्रह्म का नाम सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, तीन नो केवल आनंद, बस भगवान में आनंद है ये भी ठीक है, और भगवान ही आनंद है ये भी ठीक है। भगवान में आनंद है ये तो एक समझाने के लिए बोलते हैं, भगवान कोई अन्य वस्तु है उसमें आनंद है, जैसे घड़े में पानी है, जैसे रसगुल्ला होता है ना, एक गुल्ला होता है छेने का, उसमें चीनी का रस मिल जाए तो रसगुल्ला होता है, ऐसा नहीं है, वो आनंद ही आनंद है, सब कुछ आनंद एवाधस्तात, आनंद उपरिष्टात, आनंद पुरस्तात, आनंद पश्चात, आनंदो दक्षिणतः, आनंद उत्तरतः, आनंद एवेदग्भम सर्वम। सच्चित्त विशेषण है, यानी आनंद कैसा है? सत, सत माने नित्य। भगवान का आनंद जब मिल जाए तो छीना नहीं करता। हाँ, संसार का तो छिन जाता है ना, रोज आपको आनंद मिलता है, मां से, बाप से, बीवी से, पति से, रसगुल्ला से मिला, फिर खत्म। और भगवान का आनंद मिल गया तो सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परमं पदम, अनंत काल के लिए सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तो आनंद के विशेषण है सत और चित माने ज्ञान। आनंद ज्ञान युक्त है। संसार का आनंद जड़ होता है। रसगुल्ला खाया, हाँ कैसा है, बस ऐसे करो मुंह बनाओ, लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा है कि भगवान तो सर्वज्ञ रहते ही है, दूसरे को भी दान दे देते हैं ज्ञान का। और भगवान में गुण है, अनंत गुण है, जैसे ऐश्वर्य, सब पर शासन करना, सब पर, स्वांश हो या विभिन्नांश हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर हो और चाहे हम लोग मायाबद्ध हो, सब पर शासन नियामन। और भगवान में माधुर्य है, मधुरता है सर्वावस्था में, और तेज है काल पर, माया पर, सब पर शासन, और भक्त बात्सल्य गुण भी है, और भक्त वश्यता भी है, अनंत गुण है। पृथ्वी के रज कणों को आप गिन सकते हैं, गुणों को नहीं गिन सकते। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननु क्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, कोई नहीं गिन सकता। और भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण तो है ठीक है, निर्गुण भी है, हाँ दोनों कैसे है? नहीं, यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतैर् हेज संयुक्तैर् गुणैर् हीनत्व मुच्यते, पद्म पुराण कहता है। प्राकृत गुणों से रहित है ये माइक गुण जो हम लोगों पर हावी है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण,
ये नहीं है भगवान के ऊपर, उनमें दिव्य गुण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, ध्यान से समझना। बदंति तत्तत्व विदस्तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान, तीन भगवान नहीं, ब्रह्म एक ही है, भगवान एक ही है, उसके तीन रूप हैं। उनमें अंतर क्या है जी रूपों में? ब्रह्म जो है उसमें सबसे कम शक्ति प्रकट होती है, प्रकट अपनी सत्ता की रक्षा करना और स्वरूपानंद, ये दो तो परमावश्यक है ब्रह्म को भी, और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, इसलिए उसको अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहते हैं। दूसरा है परमात्मा, ये सगुण साकार रूप वाले होते हैं लेकिन लीला नहीं होती, परिकर नहीं होते इनके। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण, इनका रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, धाम भी है, जन भी है, सब कुछ है, और सारी शक्तियों का प्राकट्य होता है, इसीलिए इनको परतत्व कहते हैं, इन्हीं के अंश शेष सब हैं, परमात्मा भी ब्रह्म भी। यहां तक कि अस्पष्ट वेदों ने कह दिया, पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तार मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, ये ब्रह्म की योनि है श्री कृष्ण। गीता में कहा है ना, ये तीसरे मुंडक के पहले खंड का तीसरा मंत्र है जो मैंने बताया, और गीता में कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्म मुझ में स्थित है। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल, श्री कृष्ण के शरीर की लाइट का नाम है ब्रह्म। और क्या है ब्रह्म का स्वरूप यानी श्री कृष्ण का स्वरूप? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। और क्या है? सर्व कारण कारण है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, 5वें अध्याय का पहला श्लोक ब्रह्म संहिता। गीता में कहा है ना, मत्त परतरम किंचिन्नान्यदस्ति धनंजय, मैं सबसे परे हूं, मुझसे परे कुछ नहीं है। और आश्रय तत्व है श्री कृष्ण, आश्रय तत्व सबके अंतिम आश्रय आधार, पृथ्वी का आधार, जल का आधार, तेज तेज का आधार, वायु वायु का आधार, आकाश आकाश का आधार, अहंकार अहंकार का आधार, महान महान का आधार, प्रकृति प्रकृति का आधार, श्री कृष्ण श्री कृष्ण का आधार कोई नहीं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वेद कहता है श्वेता शतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। और श्री कृष्ण आकार वाले हैं, वो ब्रह्म आकार वाला है, नर बपु वाला, मनुष्य के शरीर वाला है, ये पसंद आया भगवान को शरीर बनाना अपना भी।
यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। विष्णु पुराण। और भगवान का धाम भी है, तावाम वास्तु नुष्मसग मध्य यत्र गावा भूर श्रृंगा आयासा ऋग्वेद। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम गीता 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। और भगवान कर्षक हैं। श्री कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कर्षति योगिनाम चेतांसीत कृष्ण, जो परमहंसों के मन को खींच ले जबरदस्ती, उसको कृष्ण कहते हैं। अरे स्वयं को उनको अपने ऊपर आश्चर्य होता है, मैं इतना सुंदर हूं। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धये, तीसरे स्कंद के 2 अध्याय का 12वां श्लोक। रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार। और श्री कृष्ण करुणामय है, सबसे बड़ा गुण, अंतिम टॉप का। कैसे मालूम? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुभ्रजाम्यहम नित्यम पूजे ये त्यंधि रेणु भी। भागवत में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। श्री कृष्ण अर्जुन, अरे वो उद्धव सुन कान खोल के, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवद्विज। 9वें स्कंद के 4 अध्याय का 63वां श्लोक। मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ हूं, उनका दास हूं, गुलाम हूं, खरीदा हुआ गुलाम। ये मैंने थोड़ी सी परिभाषा बताई ब्रह्म की, उनकी परिभाषा सरस्वती बृहस्पति अनंत काल तक बोलते रहे तो भी समाप्त नहीं होगा। ऐसा ब्रह्म है। अब चलो जीव पर विचार करें, मैं पर, भगवान को छोड़ो अभी, मैं ये हम लोग बोलते हैं ना, मैं। किसी से पूछो आपका परिचय, आप कलेक्टर हैं, मैं डिग्री नहीं पूछता, आपको पूछता हूं। तो मैं रमेश हूं, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं। तो मैं मनुष्य हूं, बॉडी है तो मनुष्य, आपका शरीर है, मैं आपको पूछ रहा हूं। है क्या आप करते हैं, और क्या बताऊं? अपने आप को आप नहीं जानते तो आप बाहर हैं, बड़े खतरनाक हैं, आपको तो मेंटल हॉस्पिटल में रहना चाहिए। हाँ, बड़े जानने का दावा करते हैं सब लोग, और हमारे ये डिग्री है, हम एक काबिलियत रखते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक। अपने आप को तो आप जानते नहीं, क्या जानते? हाँ, तो मैं को जानना चाहिए। चलो जानने की चेष्टा करते हैं, मैं कौन है? तो पहले वेदों में गए, पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुषा। वेद कहता है कि ये सारे जीव भगवान के अंश हैं। भगवान की शक्ति है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। 3 शक्ति उसमें प्रमुख है,
पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, 6761 विष्णु पुराण। अरे गीता तो आपने पढ़ी है, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव मेरे अंश हैं और मेरी शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि देवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रचदा परे जमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। सातवें अध्याय का चौथा पांचवा श्लोक गीता। अर्थात मेरी दो शक्ति हैं, एक परा माने जीव, एक अपरा माने माया। जीव चेतन है, माया जड़ है। स्वकृत पुरे स्वमीशो बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत अखिल शक्ति धृतोंश कृतम। भागवत दशम स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये सब कह रहे हैं कि जीव भगवान की शक्ति है। शक्तित्वे नान सत्वम व्यंजयति, शक्ति होने के कारण जीव को भगवान का अंश कहा गया। अब वेदांत पर आ जाओ, सबसे डिटेल में बताया है वेदांत ने मैं कौन हूं। अंशो नाना व्यपदेशात, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 42वां सूत्र। यानी सब जीव भगवान के अंश हैं, और इसको सिद्ध करने के लिए और चार सूत्र बना दिए। मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्यते प्रकाशादिवद नैवं परः स्मरति च, ये चार ब्रह्म सूत्र बनाए इस बात की पुष्टि के लिए। एक एक ब्रह्म सूत्र की लंबी लंबी व्याख्या मैं नहीं कर सकूंगा। नाना संबंध है, वेद कह रहा है दिव्यो देव एक नारा एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। गीता कहती है ना, ये छठवां है सुबालोपनिषद, और गीता में गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। वो हमारा सब कुछ है, माँ बाप बेटा जो कुछ कहो मुख से, सब रिश्ते भगवान से हमारे हैं। कपिल भगवान ने कहा था एषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 38वां श्लोक। ठीक। और जीव की दूसरी परिभाषा, जीव अणु है कि विभू है कि शरीराकार है, ये डाउट है। यानी सर्वव्यापक है या शरीर के बराबर होता है या बहुत छोटा सा होता है, कैसा होता है? तो वेदों में चलिए, वेद कहता है अनुप्रमाणात कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 8वां मंत्र। वो अणु होता है बहुत सूक्ष्म, जिससे अधिक सूक्ष्म कुछ न हो, तभी तो आप लोग जब मरते हैं शरीर छोड़ते हैं तो कोई देखता नहीं किधर से गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक
बड़े बड़े यंत्र लगा के देखने की चेष्टा करते हैं, नहीं देख पाते, इतना सूक्ष्म है। और फिर एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद भी कह रहा है, तीसरे मुंडक के पहले खंड का नौवां मंत्र, सूक्ष्माणामप्यहम जीवः, भागवत भी कह रही है, ग्यारहवें स्कंद के सोलहवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक। अणु होता है, और वेदांत ने तो बड़ा लंबा लेक्चर दिया है, उत्क्रांति गत्यागति नाम। वेदांत ने कहा कि देखो, जीव की बाहर जाना, ऊपर जाना, फिर लौट के आना, ये लिखा है वेद में, तो सर्वव्यापक कैसे हो? वो अणु ही सामान होगा जो इस प्रकार जाता है शरीर से निकल के बाहर। हाँ, कौशिकी उपनिषद तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र, सयदास्मा शरीरादुत्क्रामति सहै वैतै सर्वैरुत्क्रामति, ये उत्क्रांति बता रहा है वेद। और ये वैकेच अस्मान् लोकात् प्रयन्ति सर्वे चंद्रमसमेव गच्छन्ति, कौशिकी उपनिषद के पहले अध्याय का दूसरा मंत्र ये कह रहा है, सब चंद्रलोक होके जाते हैं मरने के बाद। तस्माल् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, छांदोग्योपनिषद चौथे प्रपाठक के चौथे खंड का छठवां मंत्र। फिर वहां से कर्म फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में आते हैं। ये उत्क्रांति गति आगति बताती है वेदों में के अनुसार कि जीव अणु है। फिर 10 सूत्र बना दिए, 10। स्वात्मना च उत्तरयो न अणु अत श्रुतिर्ति चेन न इतराधिकारात् अविरोध स्वशब्दोन्मानाभ्यां च अविरोधश्चंदनवत् अवस्थित वैशेष्यादिति चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणात् बालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगोपदेशात्। ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 28वां सूत्र है जो मैंने कहा आखिर में। तो 2-3-19 से लेकर 2-3-28 तक 10 ब्रह्म सूत्रों में ये सिद्ध किया कि जीव अणु है। और शंकराचार्य ने भी यहां तक माना कि जीव अणु है। इसके आगे 29वां सूत्र है, 2-3-29 तद्गुण सारत्वात् तद् व्यपदेश प्राज्ञवत्, इसमें शंकराचार्य बदल गए, नो नो नो, जीव अणु नहीं है, सर्वव्यापक है। ओ बात छोड़ो, बड़ा लंबा सब्जेक्ट है वो, आपको इतना बताना है कि जीव अणु है और शरीराकार नहीं है। इसके लिए भी वेदांत में 3 सूत्र बना दिए, एवं च आत्मा अकारस्त्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्यः अन्त्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अभिशेषः। ये 3 सूत्र, 2-2-32, 2-2-33, 2-2-34, अर्थात जीव जैसा है ऐसे ही अंत तक रहेगा, जहां जहां जाएगा ऐसे ही उसमें परिवर्तन नहीं होगा,
अगर शरीर के बराबर मानोगे जीव को तो फिर हाथी का जीव चींटी में कैसे समाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है, जीव अणु होता है, वो विभू भी नहीं शरीराकार भी नहीं। और जीव ज्ञाता है तो क्यों होता है, वो ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र, एष आत्मा द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता ग्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद चौथे प्रश्न का 9वां सूत्र मंत्र, अथ जो वेदेदम जिघ्राण स आत्मा, 8वें प्रपाठक के 12वें खंड का 4था मंत्र छांदोग्योपनिषद। और कर्ता शास्त्रार्थवत्ता वेदांत सूत्र भी कहता है जीव कर्ता है, भोक्ता है, दृष्टा है, श्रोता है, घ्राता है। ये जितना काम आप लोग करते हैं ये सब जीव करता है, जीव। हाँ ठीक, तो ऐसा ये जीव है और एक माया है वो जड़ है, मैंने बताया ना अपराशक्ति है। तो इन तीनों में तीनों अनादि है, ध्यान दो। ज्ञाग्यौ द्वावजा वीशनीषा वजा ये का भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, श्वेता सुतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। यानी वो भी ज्ञा भगवान, जीव अज्ञ और ये जड़ माया, ये तीनों अनादि हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अज अज अजा, उसका भी जन्म नहीं भगवान का, मेरा भी जन्म नहीं, मैं भी अज हूं और माया भी अजा है, किसी का प्रारंभ नहीं और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते हमारा नाश, और माया का भी नाश न भगवान कर सकते हैं न हम। अगर कोई नाश कर देता तो सबको छुट्टी मिल जाती, हम लोग फिर क्या बात है। हाँ अगर कोई भगवान को पा ले तो माया चली जाएगी, लेकिन माया शक्ति रहेगी, शक्ति का अभाव नहीं होगा। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो शरी महेश्वरम, वेद कह रहा है श्वेता सुतरोपनिषद चौथे अध्याय का 10वां मंत्र। तो तीनों अनाद्यनंत हैं, तो तीनों स्वतंत्र हैं, ना ना। फिर चलिए वेदों में, वेद कह रहा है कि नए नए तीनों स्वतंत्र नहीं हैं, जीव माया भगवान के अधीन है। क्षरम प्रधान ममृता क्षरम हर अक्षरात्माना वीशते देव, ये कहा एक क्षर अक्षर पर ईशते शासन करते हैं भगवान, श्वेता चतुरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। सकारणम कर्णाधिपाधिपा, श्वेता चतुरोपनिषद 6वें अध्याय का 9वां मंत्र। ये सब कह रहे हैं मंत्र कि प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः
छठवें अध्याय का 16वां मंत्र कि जीव और माया पर भगवान का शासन है, नियामन है, स्वतंत्र नहीं है जीव और माया, स्वतंत्र केवल भगवान है। ठीक, तो अब आप समझ गए जीव क्या है और माया तो जड़ है, उसको समझने की क्या आवश्यकता। उतोरितेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। जहां भगवान नहीं है वहां माया रहेगी, और बिना भगवान के माया कोई वर्क नहीं कर सकेगी। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव सहित सहाया। भगवान की शक्ति से ही माया काम करती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सुएते सचराचरम। तो ये ब्रह्म जीव माया ये तीन शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हमको ये जानना है कि इस माया से छुटकारा कैसे मिले। हम चाहते क्या है? हम तीन चीज चाहते हैं। सच्चिदानंद के अंश है ना, अब तो चैलेंज के साथ हम बोल सकते हैं कौन है, भगवान के अंश है ना, तो भगवान सच्चिदानंद है, उनके अंश है, हम भी सच्चिदानंद है। तो सत का स्वभाव है जीवन, चित का स्वभाव है ज्ञान, आनंद का स्वभाव है आनंद। इसलिए हम जीवन चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। कोई मरना नहीं चाहता, सब दुख भोग रहे हैं। वो चाहे बिल गेट्स हो और चाहे भिखारी हो, सब दुखी है, अशांत है, टेंशन है। आपके अमेरिका में तो अधिक लोग अमीर हैं, वो नींद की गोली खा के सोते हैं। सब अशांत है, सारा संसार एक आदमी को मिल जाए तो भी क्या होगा। अरे कुल 46 अरब है बिल गेट्स के पास, इससे तो एक शहर भी नहीं खरीदा जा सकता। क्या हैसियत है उसकी। अगर सारा विश्व भी मिल जाए, यत पृथिव्याम ब्रीहि जवम हिरण्यम पशव स्त्रिय, तो भी आनंद नहीं मिलेगा। तो जीवन चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, और ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान सर्वज्ञ हो जाएं। चोरी चोरी दूसरे से ज्ञान चुराते रहते हैं, पुस्तकों से चुराते रहते हैं, लेकिन हमेशा अल्पज्ञ हैं और रहेंगे। और आनंद तो चाहते ही है, तो चाहे गधा हो चाहे बृहस्पति हो, सब आनंद चाहते हैं। और जो कुछ चाहते हैं आनंद के लिए चाहते हैं। और आनंद क्यों चाहते हैं पता नहीं, चाहते हैं नेचुरल चाहते हैं। अरे नेचुरल क्या होता है, शब्द बोल दिया नेचुरल, स्वाभाविक। अरे मैंने अभी बताया था ना आपको, भगवान का दूसरा नाम है आनंद, और उसके हम अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। ये हमारा वेद उत्तर देता है। आनंद के अंश होने के कारण हम केवल आनंद ही चाहते हैं, चाहेंगे। लेकिन वो कैसे मिलेगा इस पर विचार फिर होगा। बोलिए लाडली लाल की।